हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिया एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी लवर सिया। वर्ष 2019 के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी को केरल में लगभग 5 मिलियन महिलाएं राष्ट्रीय राजमार्ग पर 620 किलोमीटर में एक मानव श्रृंखला बनाई थी। उनकी मांग थी कि सबरीमाला टेंपल में महिलाओं के प्रवेश पर लगे बैन को हटाया जाए ताकि महिलाएं भी सबरीमाला टेंपल में पूजा पाठ कर सकें। यह बैन उन पर था जो गर्ल्स या महिला मेंस्ट्रुएटिंग एज में इंटर कर रही हो, यानी मासिक धर्म उसका शुरू हो रहा हो या फिर कंटिन्यू हो, यानी 10 से 50 साल की महिलाएं इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती थी। हालांकि इस बैन को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, तो इस वीडियो हम लोग मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल पीरियड के बारे में ही जानेंगे। इस दौरान महिलाएं खुद ही अनकंफर्टेबल फील करती हैं, फिर भी इसके लिए कई सारे जगहों पर कई मान्यता और कई अंधविश्वास हैं, जैसे पूजा पाठ ना करना, मंदिर ना जाना, किचन का काम ना करना, एक सप्ताह तक नहाना नहीं, अचार नहीं छूना और अलग कमरे में घर से बाहर रहना। इसी तरह से न जाने कितने अंधविश्वास हैं। इंडिया से बाहर की बात करें तो नेपाल में अगर हम देखें, इस दौरान महिलाओं पर अत्याचार ही किया जाता है। मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन को घर से बाहर बनी एक कुटिया में सोना पड़ता है, कोई भी सीजन हो, जिसका रिजल्ट ये मिलता है कि कई लोगों की जान चली जाती है, कई लोगों का रेप हो जाता है और कई लड़कियां तो बीमार पड़ जाती हैं। इस मेंस्ट्रुएटिंग हट्स में इतना जगह होता है कि वो अपनी पैर फैलाकर बहुत मुश्किल से ही सो पाती हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर एक फैमिली में 2 गर्ल्स को पीरियड्स है तो उन्हें भी उसी हट्स में जाना है। भोजन में तो उन्हें सिर्फ उबले हुए चावल मिलते हैं, उन्हें हमेशा अपवित्र माना जाता। और जापान में तो सिंतो धर्म में महिलाओं को सिर्फ पीरियड्स के समय ही नहीं बल्कि उन्हें हर समय अपवित्र माना जाता है, क्योंकि उन्हें पीरियड्स होते हैं। सिर्फ मंदिर और पूजा घर में ही नहीं बल्कि उनके लिए पवित्र पहाड़ पर चढ़ना भी गलत माना जाता। कई देशों में तो मासिक धर्म के दौरान उन पर अत्याचार थोड़े कम किए जाते हैं, लेकिन प्योर उन्हें भी नहीं माना जाता। तो अब हम लोग देखते हैं कल्चर, रिलीजियन और साइंस क्या कहते हैं इसके बारे में। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो यदि कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करे या उसे चोट लग जाए तो उसे रेस्ट करने को कहा जाता है, और वहीं जब एक औरत 2 से 7 दिन तक ब्लीड कर रही हो तो उसे कितना अनिवार्य है। आप इसे समझ सकते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं पता, बट हमारे पूर्वजों ने इसे बहुत अच्छे से समझा। अब बात करें पुराने समय की, तो महिलाओं को मुख्य रूप से 2 काम ही रहते थे, एक मंदिर की साफ सफाई एवं पूजा पाठ और दूसरा किचन का काम करना। और उस समय का मंदिर गांव के बाहर दुर्गम और एक खाली स्थान पर हुआ करते थे, जिसका रास्ता किसी न किसी जंगल से होकर जाता था, जहां जंगली जानवर का डर रहता था क्योंकि वो ब्लड को स्मेल करके उन पर अटैक कर सकते थे। बाय द वे, मंदिर चली भी गई तो लंबी सीढ़ियां चढ़ना, मूर्ति को नहलाना, श्रृंगार करना और भोग लगाना, ऐसे ही बहुत प्रोसेस होते थे पूजा पाठ में। इसलिए मना किया गया ताकि वे आराम कर सके, ना कि उन्हें प्रोहिबिट किया गया इम्प्योरिटी के नाते। उन्हें भोजन भी नहीं पकाने दिया जाता था क्योंकि उस समय संयुक्त परिवार हुआ करते थे। भोजन के सारे अरेंजमेंट महिलाओं को करना होता था, कुएं से पानी भरने से लेकर के चक्की से आटा पीसने तक का, जो कि बहुत मेहनत के काम हुआ करते थे, इसलिए भोजन दूसरी औरतें पकाती थी। इसका मतलब मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन अपवित्र नहीं थी जैसा कि आज माना जाता है, बल्कि वो चाहती तो कर भी सकती थी और करती भी थी। जो औरतें अकेले ही रहती थी अपने घर पे, उन पर रिस्ट्रिक्शंस कभी नहीं लगाए गए, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति में हमेशा पूजा गया, आराधना की गई, पुरुषों से हमेशा ऊँचा स्थान दिया गया, उन्हें जगत जननी बताया गया, जैसा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलता है। और अभी विशाखापट्टनम के समीप देवीपुरम में कामाख्या मंदिर में कामाख्या देवी की योनि की पूजा की जाती है, जिसकी एक प्रोसेस भी होती है और वहाँ पर सिर्फ औरतें ही अलाउ होती हैं। और असम के मंदिर में कामाख्या देवी का पूजा मेंस्ट्रुएटिंग टाइम में ही होता है। इंडिया के कई सारे पार्ट्स में औरतों को अभी भी उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पहले, जैसे मणिपुर में गर्ल्स के फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लड वाले कपड़े को संभाल कर रखा जाता है और उनकी शादी में भेंट किया जाता है। उस कपड़े को बहुत ही प्योर माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह इविल से प्रोटेक्ट करेगा।
तो उन्हें ये सभी छूट या कम्फर्ट इसलिए दिए जाते थे ताकि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड बहुत ही इजीली और पेनलेस तरीके से हो सके। इनफैक्ट अगर इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग ये सारी फैसिलिटीज गर्ल्स को प्रोवाइड कराया जाए तो उनका ये साइकिल बहुत ही इजीली, पेनलेस और रेगुलर होगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो इसका साइंटिफिक रीजन क्या है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आ रही है तो आज के लिए बस इतना ही। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।